देखिए आयुष जी, दीपोत्सव हो रहा है, भगवान राम का स्वागत होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी ये बात कह रहे थे कि हम तो देश में दुनिया में भगवान राम का राष्ट्रीयकरण करने पे लगे हैं। अरे भाई आप समझिए पहले इस बात को, त्रेता युग से लेकर के हर युगों युगों में पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर भगवान राम सर्वमान्य है, सर्वविदित है, सर्वपूज्य है। तो कम से कम भगवान राम को पॉपुलर करने का क्रेडिट मत लीजिए, इतनी ओछी बात मत करिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक दिन के इवेंट में विश्वास करे। चलिए पुष्पेंद्र जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। उमा शंकर राजभर जी, अरविंद केजरीवाल जी का जो सिद्धांत है, राम राज्य के 10 सिद्धांत हैं, उसको साकार करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड लूंगा। मैं बता देता हूं कि कोई भूखा ना सोए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सभी को बेहतर इलाज मिले, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिले, सभी को मुफ्त पानी मिले, बेघरों को मकान मिले, सभी को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा हो, बुजुर्गों को सम्मान मिले, और सबसे बड़ी बात कि सभी को समान अधिकार मिले। तो ये है अरविंद केजरीवाल जी का राम राज्य के 10 सिद्धांत, जिसका पालन करती है दिल्ली में हमारी सरकार है। हम बाकायदा भगवान राम के सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए अपनी सरकार चला रहे हैं, और इसी सिद्धांत को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी हम आएंगे, और उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो इस 70 साल के राजनीतिक हेर फेर में फंसी हुई है, कभी जातिवाद की राजनीति, कभी धर्म की राजनीति, इन सब से हटा करके उनको मुद्दों की राजनीति, जो उनकी मूलभूत जरूरत राजनीति है, हम उस पे आएंगे और हम जनता सबको यही करना